नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड नगर पालिका में आज साधारण सभा की मीटिंग थी जो काफी हंगामेदार रही और सभी पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। बहरोड नगर पालिका कार्यालय के सभा कक्ष में मंडल की साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पार्षद पालिका की कार्य प्रणाली से नाखुश नजर आए और किसी भी विभाग से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण मीटिंग का बहिष्कार कर गए। इस मीटिंग में कुल 11 बिंदुओं पर विचार विमर्श होना था। ठीक 1 बजे सभा शुरू होते ही एजेंडे के आखिरी बिंदु अमर सिंह पुत्र प्रभुदयाल नैन सुख बहरोड की भूमि को एक्सचेंज की स्वीकृति पर विचार होना था और पार्षदों ने यह मुद्दा गर्म जोशी से उठाया। उमेश शर्मा, प्रदीप यादव, रूपेश यादव, शिवचरण यादव, मुकेश यादव सहित अनेक पार्षदों ने गर्मागर्म बहस की, पर कोई सहमति नहीं बनी। इसके बाद बहरोड में हुए विकास, सीसीटीवी कैमरे, दमकल तथा सफाई और जलदाय विभाग द्वारा शहर के आम रास्तों पर खोदी गई सड़कों व आम रास्तों पर गहरे गड्ढों पर जोरदार हंगामा हो गया। नगर पालिका अधिशासी अभियंता मनीषा यादव भी इन सब मुद्दों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिससे नाराज होकर पालिका के सभी सदस्यों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया तथा 4 पार्षदों ने अधिशासी अभियंता मनीषा यादव के कार्यालय के सामने बैठकर अपना विरोध भी जताया। पिछले 1 साल में 2 से 3 बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, उसमें कई सारे प्रस्ताव लिए गए सर्वसम्मति से बोर्ड ने, और आज आप सब मीडिया बंदों के सामने, पूरे बोर्ड मेंबरों के सामने हमने उन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बारे में बोर्ड अध्यक्षा से और ईओ मैडम से जानकारी चाही। तो दोनों ने असमर्थता जाहिर कर दी कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईओ बोल रही है कि अध्यक्षा से पूछो, अध्यक्षा बोल रही है ईओ से पूछो। तो हम सब सारों ने तो नहीं, लगभग आधे से ज़्यादा बोर्ड ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। इसकी वजह यही है, ऐसी मीटिंग में आने का हम पार्षदों का कोई मतलब नहीं रह गया है, जिनमें पिछली मीटिंगों में प्रस्ताव लिए गए और उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी मीटिंग में आना हम व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि बहरोड की पब्लिक ने हमको एक जवाबदेही दी है, एक जिम्मेदारी दी है, हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। अगर बहरोड कस्बे में परेशानियाँ ऐसे ही खड़ी रहेंगी, आप चाहे PhD का डिपार्टमेंट का देख लीजिए रवैया क्या है, पूरे बहरोड को खोद के डाल रखा है। पिछले 1 साल पहले CCTV कैमरे पूरे कस्बे में लग रहे थे, आज उस पर कोई जवाब नहीं है अध्यक्षा के पास और ईओ मैडम के पास। दूसरा, बिजली बोर्ड ने परेशान कर रखा है जगह जगह गड्ढे खोद कर। सफाई व्यवस्था आज ठेकेदार को बोर्ड के सामने, आप मीडिया लोगों के सामने बुला के पूछा गया कि आपके कितने कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं, कितने रेगुलर हैं। रेगुलर से तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर आप लोगों के सामने, बोर्ड के सामने वो बिल्कुल निरुत्तर खड़ा रहा और चुपचाप पीछे से गायब हो गया। तो ऐसी अब जब गैर जिम्मेदार जब बोर्ड बैठा है, अध्यक्षा बैठी है, तो हम पार्षदों ने ये डिसाइड किया है कि हम आगे से ऐसी मीटिंग का बहिष्कार करेंगे जो बहरोड की पब्लिक के और बहरोड के हित में नहीं है और जो उनकी परेशानियां दूर नहीं कर सकते। ऐसी मीटिंग में आएगा हमारे को दमकल को लेकर बार बार हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया। अब ये गए ईओ मैडम बोल रही है हमने आगे प्रस्ताव भेजे, राज्य सरकार का मामला है। इधर मंत्री जी बार बार बयान दे रहे हैं कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। अब ये कहाँ अटका पड़ा है मामला, ये बोर्ड जाने और राज्य सरकार जाने, जबकि कई हादसे शहर में हो चुके हैं आगजनी के, और यहाँ जो 4-5 फायरमैन लगे हुए हैं, आज हमने उनकी पेमेंट का विरोध किया है। जब फायरमैन यहाँ हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ नहीं है, तो उनके पेमेंट का मतलब क्या बनता है? क्या तो उसको उनको समाहित करो दूसरे काम में, क्या फिर सरकार को लिखोगे हमें इनकी जरूरत नहीं है? बिना बात इनका जो खर्चा उनकी तनख्वाह का है वो बोर्ड पर पड़ रहा है, उससे अच्छा उससे विकास कार्य हो। पिछले 3 साल से पूरा आश्वासन मिल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। हर बार नए प्रस्ताव, नए टेंडर लगाए जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं होता है। आज मैडम से, ईओ मैडम से, अध्यक्षा से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब क्या देंगे, उनको पहले पता ही नहीं है कि कार्य क्या हो रहा है, शहर में क्या नहीं हो रहा है। बाहर जनता का जवाब हमें देना पड़ता है, बाहर की जनता हमसे पूछते सफाई में क्या हुआ, ना सब कोई सफाई कर्मचारी ना ठेकेदार का पता है। सफाई कर्मचारी से पूछते हैं, ठेकेदार बताएगा, ठेकेदार को पता ही नहीं है कहाँ है कौन नहीं है। तो फिर हम जनता को क्या जवाब दें? जनता ने हमें चुन के भेजा है ना। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जो भी प्रस्ताव लिए जाते हैं प्रस्तावों की पालना हो रही है, लगातार हो रही है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी पालना। सीसीटीवी होगा, सफाई कर्मचारी हो गए, सफाई को लेकर समान हो गया, जब लोग 500 रुपये की रसीद काट रहे हैं आपके कर्मचारी सफाई के नाम पे,
वो तो राज्य सरकार की तरफ से जुर्माना राशि जो वसूल करने के प्रावधान है, जो गंदगी फैला रहा है उसके खिलाफ हम जुर्माना करवा रहे हैं। अब तक कितने जुर्माने वसूल किए गए? अभी तक ज्यादा जुर्माने वसूल नहीं किए गए। हम समझाइश से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाले सफाई के लिए हमने टेंडर लगा दिए थे और नाले अधिकतर नालों की सफाई हो चुकी है। पहले लगे थे, अभी लगे हैं? टेंडर हो चुके हैं, पहले टेंडर लग के कार्यादेश दिए गए थे, उस पर हमने सफाई कार्य करवा दिया। सीसीटीवी कैमरा में हमारी तरफ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है। चेयरमैन की पत्रावली पर साइन नहीं होने के कारण टेंडर नहीं लगा पाए। चेयरमैन साइन क्यों नहीं करा मैडम? अब चेयरमैन साहब बताएंगे। कई बार लोन की फाइल दो महीने तक उनके पास ही रखी गई, फाइल भी उन्होंने अपने पास रख ली, उसके बावजूद साइन करके अभी तक नहीं दिए, जिसके कारण टेंडर नहीं लगा। जल्दी वो साइन करके दे देते हम टेंडर लगा। गंदगी रेगुलर साफ हो रही है, इसके लिए हमने 3 ऑटो टिपर और परचेज किए हैं, जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण करेंगे, जिससे जगह जगह जो कचरा पॉइंट बने उनमें कमी आएगी और सफाई के सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।